जय महाकाली मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम शराब की लत के विषय में आज आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाले हैं। उन माता और बहनों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि जो लोग अपने टूटते हुए परिवार को सामने देखते हैं और शराब की वजह से बहुत कलह घर में होता है, परिवार दाम्पत्य जीवन लगभग टूटने की कगार पर हो, तब आप इसका उपाय कर सकते हैं। अगर आपके परिजन, घर का कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अत्यधिक शराब का सेवन करता है और घर में लड़ाई झगड़ा या दरिद्रता उसकी वजह से होती है, तो उस परिस्थिति में आप इस तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरी तरह कारगर और सत्य प्रयोग है, जिसके एक बार करने से ही आपको इसका लाभ बहुत अच्छा देखने मिलेगा। व्यक्ति के कोई भी परिजन इस टोटके इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि जीवन में उस व्यक्ति के बहुत सुधार लेकर आएगा जो व्यक्ति शराब की लत की वजह से बहुत ज़्यादा अत्यधिक शराब पीता है। दोस्तों, ये पूरी तरह गोपनीय और तांत्रिकी प्रयोग है, इसके एक बार के से ही आपको लाभ मिल जाएगा। एक बार का ही ये उपाय है और ये आपको भैरव जी का इसको उपाय कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, शराब छुड़ाने के तांत्रिकी उपाय किसी के लिए भी शराब की आदत बुरी होती है। यह नशे की हानिकारक आदतों में से एक है शराब पीना। इसकी लत लगने की वजह से अच्छा खासा दाम्पत्य जीवन घरेलू कलह का शिकार हो जाता है। इस साधना से स्त्री अपने पति के शराब की बुरी लत को उसकी पसंदीदा शराब का इस्तेमाल कर छुड़ा सकती है। यह उपाय रविवार की रात्रि में किया जाना चाहिए। सबसे पहले स्त्री अपने पति के पसंदीदा शराब की एक बोतल ले ले या बाजार से खरीद ले या मंगवा ले। इसके बाद पूजन की दूसरी सामग्रियों के साथ रात 10 बजे के बाद भैरव मंदिर में जाएं। पूजा की अन्य सामग्री जैसे रोली, चावल, कुमकुम, हार या भगवान के लिए किसी भी प्रकार की एक मिठाई या भोग, धूप दीप और अक्षत से पूजा के बाद बोतल की शराब को वहीं अर्पित कर दें। मतलब भैरव मंदिर में आप रविवार की रात्रि में जाएंगे, पंचोपचार भैरव जी की आप पूजा अर्चना शुरू करिएगा। पूजा अर्चना शुरू करने के बाद आप उस बोतल को वहीं पर अर्पित कर दें। इस दौरान ओम नमः भैरवाय का जाप करती रहें। प्रत्येक जाप के बाद थोड़ी शराब भैरव जी के सामने गिराती जाएं। कुल 108 बार केवल मंत्र जाप करना है। मंत्र है ओम नमः भैरवाय। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, बहुत आसान है। ये 108 बार ही मंत्र आपको जाप करना है और हर मंत्र के साथ आपको थोड़ी सी कुछ शराब आपको ज़मीन पर भैरव जी के सामने गिरा देना है। जाप के दौरान शराब से बोतल खाली हो जाना चाहिए। जब आपका जाप मंत्र पूरा हो जाएगा, 108 हो जाएंगे, तब शराब पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद मंदिर के पुजारी को दान दक्षिणा देकर घर वापस आ जाइए। पति के रात में नशे की हालत में जब सो जाते हैं, उनके सिर पर से शराब की खाली बोतल को घुमाते हुए पहले मंत्र को ही 21 बार जाप करें। जो बोतल आपने वहां पर अर्पित करी है भैरव मंदिर में, वही खाली बोतल आप अपने घर पर लेकर जाएंगे। उस बोतल को अपने पति के नशे की हालत में सो रहे हो तब वो आप उनके ऊपर से घुमा लीजिए। चाहे नशे की हालत में हो या ना हो, आप अपने पति के ऊपर से 21 बार उसी मंत्र को जाप करते हुए ओम भैरवाय नमः, ओम नमः भैरवाय का मंत्र जाप करते हुए 21 बार करें। 21 बार बोतल को घुमाकर बोतल को अगले रोज शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए या वहां पर छोड़कर आ जाइए। कुछ ही दिनों में फर्क आपको देखने मिलेगा कि आपके पति ने शराब पीना छोड़ दी है। इसे भंग क्रिया कहा जाता है और स्तंभन का ही दूसरा पार्ट होता है। ओम भैरवाय नमः या ओम नमः भैरवाय, ओम नमः भैरवाय, ओम नमः भैरवाय, ये भैरव भगवान जी का सबसे चिटिक मंत्र होता है। चिटिक मंत्र का मतलब होता है महत्वपूर्ण मंत्र होता है। इस मंत्र के उच्चारण से पति पे पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा भैरव जी का। भैरव जी देवता होते हैं हर शक्तियों को मिटाने का कार्य करने के लिए। आप देखेंगे कि आपके पति का स्टिन क्रिया होती है,
और इस क्रिया से आपके पति ने पूरी तरह से शराब पीना छोड़ देंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय है और इस उपाय को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख कर देता हूँ। जिन माता बहनों के घर में बहुत परेशानियाँ चलती हैं, ऐसे लोगों को इसका प्रयोग एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कवच आते हैं या कुछ जड़ी बूटियाँ आती हैं, अगर आप चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं। अगर अत्यधिक शराब का सेवन आपके घर में कोई करता है तो उसको ताबीज पहनाकर भी कंट्रोल किया जा सकता है। या घर परिवार बहुत संकट में चल रहा है, कलह होती है, घर में धन नहीं होता, कर्ज में बहुत ज़्यादा आप लोग डूबे हैं, तो उस परिस्थिति में हमसे वो ताबीज मंगवा के अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय महाकाली।